नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं रेलवे आईआरबी जो 2019 के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका सीईएन नंबर 03/2018 है। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम 22 तारीख से आपको पता होगा स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है ये आपका 22 मई से चलने वाला है आपका 2 जून तक। अब दोस्तों, इन 12 दिनों में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो रहा है आईआरबी जेई का, अगर दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता होगा जो 22 मई का जो एग्ज़ाम दोस्तों, वहाँ पे केवल 2 शिफ्ट बनाए गए हैं। और इसके अलावा 23 तारीख से आपका लगातार 3 शिफ्ट चलने वाले हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और इवनिंग का। अब इन 3 शिफ्ट में दोस्तों जो भी एग्ज़ाम देने कैंडिडेट्स जाएंगे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसे पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों उसे समझ में नहीं आता है, उसे समझना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे आपको, एग्ज़ाम सेंटर पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो या मूड डिस्टर्ब हो और आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने ओपन कर देता हूँ एडमिट कार्ड में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है उसके पेज को, और सब कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं, सभी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। कोई भी दोस्तों गलती आपको नहीं करनी है, एकदम फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देने जाना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने ओपन कर दिया हूँ, देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं यानी इंपॉर्टेंट दोस्तों के निर्देश हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड्स से हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, ब्लैक कलर से ऊपर ही आपको लिखा मिल जाएगा, केवल मूल फोटो आईडी के साथ ही अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यानी दोस्तों, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन ओनली विद द ओरिजिनल फोटो आईडी। फ्रेंड्स, ये बात हर एग्ज़ाम में आपको बताई जाती है कि आप जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास ओरिजिनल फोटो आईडी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप भूलिएगा मत, और जो है ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर ही एग्जाम सेंटर पर पहुँचिएगा। चाहे वो आपका DL ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, इस तरह से कुछ भी अगर आपका ओरिजिनल आईडी है तो वो आप ओरिजिनल में ही ले जाइएगा, क्योंकि वो आपका वेरीफाई वहाँ पर ओरिजिनली किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर इट्स एक्सेसिबिली एट लीस्ट ए डे बिफोर एट द टेस्ट। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर गया है, जो आपका अननोन जगह है, जहां पे आप पहले से वाकिफ नहीं हैं, जिसके आप पहले नहीं जानते हैं, तो एक दिन पहले ही आप पूरे सेंटर को जो चेक कर लीजिएगा कि वो कहां पे गया है, कैसे कैसे हमें जाना है, सब कुछ ये आपका दोस्तों वेरीफाई कर लीजिएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है। कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल एडवांस ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेटेड इन द ई कॉल लेटर। दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार के सत्यापन के रूप में बायोमेट्रिक और फोटो दस्तावेजों का संग्रह, निर्देशों की घोषणा और लॉगिन आदि गतिविधियों को पूरा करने के लिए ई कालपत्र पर सांकेतिक रिपोर्ट समय से पहले उम्मीदवारों केंद्र परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो जो आपके रिपोर्टिंग टाइम आपके दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड पे, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपने रिपोर्टिंग टाइम से ही दोस्तों पहुंचिएगा, क्योंकि आपका पता होगा, आपको पता होना चाहिए आपका जो है, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो CBT मोड होता है। तो CBT मोड में फ्रेंड्स कई ऐसे होते हैं चीज़ें जो आपको करनी होती हैं वहाँ पे, जैसे आपका सत्यापन के रूप में बायोमेट्रिक करना होता है, फोटो वहाँ पे चिपकाना होता है, फोटो वेरीफाई करवाना होता है, तो इसमें दोस्तों टाइम लगता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, पहले ही एग्जाम सेंटर में पहुँच जाइएगा। और दोस्तों, एग्जाम की बात करता हूँ तो 22 तारीख को आपका 2 शिफ्ट रखा गया है और 23 तारीख को आपके 3 शिफ्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 23 तारीख से आपका 2 जून तक 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। अब देखिए अगला कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स अलाउड ओनली विद द प्रॉपर डिसेंट ड्रेस एंड नॉट बी अलाउड विद शूज टू द एग्जामिनेशन हॉल। दोस्तों, इस बात को आप क्लियरली जान लीजिए कि आपकी जो एंट्री होगी वो आपका साधारण सिंपल ड्रेस में होगी, कोई ड्रेस कोड तो नहीं रखा गया है, लेकिन जो सिंपल आप शर्ट पैंट पहन सकते हैं या जींस टी शर्ट पहन सकते हैं, जींस शर्ट पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको शूज़ पहन के नहीं जाना है। अगर शूज़ पहन के जाएंगे तो आपको वहाँ पे निकालना पड़ सकता है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मूड ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, पहले से ही आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कोशिश कीजिएगा स्लीपर पहन के जाने की, शूज़ पहन के बिल्कुल ना जाइएगा, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, प्लीज़ अफिक्स पासपोर्ट साइज 3.5x4.5 cm कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द IRB पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर। आपने देखो देखा होगा आपके ई कॉल लेटर में, जैसे मान लीजिए आपका ई कॉल लेटर दोस्तों यहाँ पर आपके
बीच में एक जहाँ कट का निशान बना होगा डॉट करके, जहाँ पे आपको कैंची की सिंबल बनी होगी, जहाँ से आपको एडमिट कार्ड को कट करना होता है। एक पोर्शन आप अपने पास रखते हैं, एक पोर्शन वहाँ पे जमा हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक पोर्शन का फोटो चिपकाया नहीं होता है, फोटो प्रिंट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको फोटो अपना प्रिंट चिपकाना है आपको, जो और वही फोटो चिपकाना है जो आपके एडमिट कार्ड में पहले से शो कर रहा है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय लगाया हुआ था फोटो, वही आपको यहाँ पे कलर प्रिंट में चिपकाना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, उसको आप चिपका लीजिएगा, वहाँ पे आप जाके चिपकाने के चक्कर में बिल्कुल ना रहिएगा, पहले ही चिपका के ले जाइएगा घर से ही। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय लैंग्वेज चूज कर रखा था, बाद में आपको पता होगा एक बार लैंग्वेज चूज करने का दोबारा ऑप्शन मिला था आपको, जिसमें आपने अपना लैंग्वेज एडिट किया था, करेक्शन किया था लैंग्वेज में, तो जो आपने लैंग्वेज चूज कर रखा था उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपने मराठी चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर मराठी में आएगा, अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखा है तो इंग्लिश आएगा, हिंदी चूज कर रखा है तो हिंदी में आएगा। लेकिन दोस्तों ये लैंग्वेज जो आपने चूज कर रखा है उसमें तो आएगा ही, इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट रखी गई है, इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट मिलेगा। और दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगर आप मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन आप हिंदी में कर रहे हैं और आपको कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन में, तुरंत आप इंग्लिश के पोर्शन में घुस जाइएगा और इंग्लिश के लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि उसमें मिसप्रिंट है या इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप हिंदी को लेकर उलझे रह गए और बाद में इंग्लिश में सही क्वेश्चन लिखा होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को मानेंगे, हिंदी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, तो इसलिए इंग्लिश जो आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज है वही आपका वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी के लैंग्वेज में क्वेश्चन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स का दोस्तों एग्जाम आ चुके हैं 22 से लेके 29 तारीख के बीच का आपका एडमिट कार्ड स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड होना, और दोस्तों वहाँ पे एग्जाम सिटी शो कर रहा है, 22 से 24 वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है वो अपना प्रिंट कर ले, और 22 से जो 29 वाले हैं वो अपना एग्जाम सिटी शिफ्ट सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो इनके लिए दोस्तों एक सजेशन ये है मेरा कि अगर दोस्तों उन्हें लिंक आपका पता है, आपको मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, देखिए द मॉक टेस्ट लिंक इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB, यूजिंग दिस लिंक टू फैमिलियराइज योर सेल्फ टू हाउ टू व्यू आंसर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन डे। मॉक परीक्षा लिंक IRB की वेबसाइट पर उपलब्ध है, परीक्षा के दिन पर प्रश्नों को देखने एवं जवाब देने के तरीके को स्वयं पर परिचित करने के लिए इस लिंक का उपयोग करें। तो फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है IRB के, और वहाँ पर जो मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट किया गया है उसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आता है 25 क्वेश्चन का वहाँ पर सेट मिलेगा आपको, जहाँ पर सभी दोस्तों क्वेश्चन आपके दिए होंगे, कैसे आपको चूज करना है ऑप्शंस को, कैसे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, कैसे आपका सेव होगा, सब कुछ यहाँ पैटर्न आप समझ सकते हैं, पूरा फॉर्मेट आपका ऑफिशियली आपका बन के आ जाएगा IRB के द्वारा। और दोस्तों वहाँ पे अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपका जो पॉपअप है वो आपका ब्लॉक्ड होता है आपके लैपटॉप में या मोबाइल में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको पॉपअप जो है वो अलाउ करना पड़ेगा, जब अलाउ आप करेंगे तभी आपका वहाँ पे लॉगिन होकर आपके सामने मॉक टेस्ट का लिंक ओपन हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ओपन नहीं होता है तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका जो है पॉपअप जो आपका अलाउ होता है या नॉट अलाउड होता है, तो वो अगर अलाउ नहीं होगा तो वो लिंक आपका ओपन नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, उसको आप अलाउ कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और जो दोस्तों आपका ये ई कॉलेटर है उस पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी एक पॉइंट आपका लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम रोल नंबर रफ सीट प्रोवाइड फॉर द रफ वर्क। जो आपको रफ वर्क के लिए रफ सीट मिलेगी दोस्तों उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर आपको अपना ये जो कुछ लिखना है आपका नाम रोल नंबर, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको रफ कार्य वहाँ पे करना है। आपको पेन भी दोस्तों अलाउ नहीं है, पेन भी लेकर बिल्कुल मत जाइएगा, केवल आपके पास ई कॉलेटर का प्रिंट होगा वो भी ओरिजिनल, और इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक ओरिजिनल ID प्रूफ होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, एक ओरिजिनल आईडी और एडमिट कार्ड के अलावा आप कुछ लेकर एग्जाम सेंटर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा, तो केवल और केवल आपको एडमिट कार्ड और इसके अलावा ओरिजिनल आईडी ही लेकर जाना है, वही आपका एंट्री के टाइम पे एंट्री होगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ की एंट्री वहाँ पे नहीं की जाएगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी आपको दोस्तों यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पर या फिर जो है किसी भी चीज़ पर किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी इंडिकेट नहीं करना है, वरना आप देखिए यहाँ पे IRB ने वो बात और रखी है पॉइंट नंबर 23 में, IRB रिजर्व द राइट टू ऑर्डर री एग्जामिनेशन फॉर एनी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। किसी भी कैंडिडेट्स का वो री एग्जाम करवा सकती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा डिसीजन ऑफ IRB इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। और जो भी IRB डिसीजन लेगी वही आपका फाइनल डिसीजन होगा, इसके अलावा इसके लिए आप कुछ भी केस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन था जो कि आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको एग्जामिनेशन से लेके
और दोस्तों जहाँ पे जिसका एग्जाम सेंटर गया हुआ है प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कमेंट कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के माध्यम से आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकें और एग्जामिनेशन सेंटर पर आपसे मिल सके, ताकि कोई भी डिस्कशन करना हो तो वहाँ पर ईजिली आप डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना जो है जो भी अपना एग्जाम सिटी चेक कर चुके हैं वो अपने एग्जाम सिटी को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आरबी जेई का, वो दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर सके। कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी उनको दोस्तों पूछना होता है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ। और दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी उम्मीदवारों को, जितने भी कैंडिडेट्स आरबी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएँ और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।